प्यार, तकरार, टिकटॉक और हत्या, आप सोच में पड़ गए हम क्या कह रहे हैं। तो चलिए आपको पूरी घटना बताते हैं। दरअसल रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख ने डबल हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जिन लड़कियों की हत्या हुई है उनमें से एक शादीशुदा थी और एक की शादी नहीं हुई थी। वही लड़के ने फेसबुक पर शादीशुदा वाली फोटो भी अपलोड किया था। यही टिकटॉक वीडियो दोनों बहनों की हत्या की वजह बन गया। एक काफी सेंसेशनल घटना हुई थी जिसमें दो लड़कियों को किसी ने मार डाला था और उसके पश्चात फरार हो गए थे। तो उनसे लगभग ये लड़कियों की डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद में हमारी पुलिस की जो टीम है वो लगातार इसमें विवेचना कर रही थी और आरोपियों की खैर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन पहले ही कर दी। जैसे कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने डिटेल्स बता दिया था कि क्या हुआ है करके, मतलब ये इसमें नाम मैंने दायर कर दिया था। फाइनली तीनों आरोपियों को हमने पकड़ लिया है कल रात ही से, क्योंकि लगातार ये लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन कल रात में हमारी टीम ने इन तीनों को पकड़ लिया है। उसमें एक जो है अपचारी बालक है तो उसका मैं नाम नहीं लूंगा, और दो जो आरोपी है उसमें मुख्य आरोपी जो है उसका नाम है शोएब अहमद अंसारी उर्फ सैफ, पिता इकबाल अंसारी, उम्र 25 साल, निवासी बोईर दादर रायगढ़, और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है गुलाम मुस्तफा, पिता शेख अब्दुल रहमान सादिर, उम्र 18 साल, निवासी चांदमारी थाना कोतवाली जिला रायगढ़, और जो अपचारी बालक है वो जांजगीर चांपा का है। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि ये जो आरोपी है जो सैफ है, ये सैफ जो है इसने जो मृतिका है मंजू सिदार इससे इसका प्रेम प्रकरण था और इन्होंने कोर्ट में शादी भी कर दी। उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट घर वाले जो है इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे और लगातार उसके ऊपर दबाव था। तो बीच में इसने फेसबुक पर भी डाल दिया था अपने फोटोज लड़के के साथ मांग में सिंदूर भरे हुए, और घर वालों का काफी दबाव था तो वो उसको छोड़ के चली गई थी। छोड़ के जाने के पश्चात फिर लड़का जो है फेसबुक पर कुछ अनशन कमेंट भी किया था जिसकी रिपोर्ट जो है चक्रधर नगर थाने में भी थी। चक्रधर नगर में रिपोर्ट होने के पश्चात ये थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन बाद में इनका सेटलमेंट हो गया था वहाँ पे और उसके बाद में कुछ नहीं करने का इन्होंने डिसीजन लिया था। उसके बाद में घटना के तीन दिन पहले लड़की ने अपने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला था एक लड़के के साथ और उसमें काफी नजदीकियां दिखी थी, तो उसके वजह से जो ये आरोपी है ये काफी गुस्से में आ गया था कि शादी हुई है और उसके बावजूद भी ये ऐसा कर रही है करके। तो उसके वजह से इसने तभी मन बना लिया था कि ये लड़की को छोड़ेगा नहीं। बता दें कि 10 दिसंबर को एक ही घर में दो लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। आरोपी सैफ और उसका दोस्त मौके से भाग निकले, लेकिन इस दौरान वो दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। रायपुर से न्यूज़ के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।